मेरे लिए कोर्ट रूम था, जो आपने चैलेंज देखा होगा, तुम सबने देखा होगा, वो चैलेंज मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि सभी लोगों का एक एक दो दो घंटा चला था, मेरा 4 घंटा चला था, और सबसे ज़्यादा मेरी ही चीज़ें दिखाई गई, जो कि मुझे फेयर नहीं लगी कि बहुत सारे लोगों की चीज़ें काटी गई और मेरी चीज़ें दिखाई जा रही है। और इसलिए दिखाई जा रही है क्योंकि ऑलमोस्ट सारे लोग रोडीज से आए हुए हैं, तो उनका हर एक बंदे का कॉन्टेंट दिखना चाहिए, तो शायद वो कहीं ना कहीं मेरे पर फायर बैक हो गया। और उस दिन भी मैंने कुछ कह सकते हैं, मैं ज़्यादा फट चुकी थी क्योंकि मैं ज़्यादा चीज़ें पर्सनल नहीं ले पा रही थी। मेरे लिए भी वो सारी चीज़ें नहीं थी कि नेशनल टेलीविजन पे कोई पर्सनल जा रहा है मेरे, और मैं डिफेंड करने के लिए मेरे पास कुछ प्रूफ भी नहीं है कि मैं फ़ोन में दिखाऊं या कुछ भी, मैं कुछ नहीं प्रूफ कर सकती थी। उस पॉइंट पे मैं बहुत ज़्यादा फट गई थी, और फिर मुझे लगा कि यार जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, और मुझे लगा कि सब शैटर हो जाएगा। बट जशवंत आया तो होपफुली मुझे लगा कि अब सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट अगेन जब शिविर बाहर से, मतलब बाहर से वापस अंदर आया, वही अगेन वही चीज़ें रोटेट सर्कुलेट होने लगी, तो वो मुझे काफ़ी ख़राब लगा। एंड कहीं ना कहीं मुझे उसकी वजह से पावरफुल भी लगता था कि यार जब जितने बार मैं गिर रही हूँ मैं उतनी बार पावरफुल बन रही हूँ, और एक अलग सी आग आ रही कि इन सबको बताने कि मैं क्या चीज़ हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है। तो अच्छा लगा था कि अच्छा हुआ मेरे साथ इतने लोग अगेंस्ट गए, सो दैट मैं अपने इंटरनल पावर जान सकी मैं कितनी स्ट्रांग हूँ। मेमोरीज तो बहुत सारे, बहुत अच्छे मेमोरीज है इस सीज़न से। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक टू से कि ये सीज़न आई थिंक स्पिट्सवे की सबसे बेस्ट सीज़न है, और इस सीज़न में यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आई थिंक 30 से ज़्यादा कंटेस्टेंट्स थे, सबसे लड़ना पूरा बिल्ला हमारे अगेंस्ट, और फिर भी यहाँ तक पहुँचना एक बड़ी बात है। लिटरली सेइंग कि सबको हरा के वहाँ तक, यहाँ तक पहुँच गया, जिसको भी जिसने बोला कि आपको निकालूंगा, इसको निकालूंगा, उनको निकालूंगा, कुछ नहीं कर पाते यार हम यहाँ तक है। तो रीचिंग इज़ अ बिग बिग थिंग, बिकॉज बाकी सारे शोज में मैंने तो फिनाले तक गया हूँ, रोडीज में, बिग बॉस कनाडा में, और तीसरा शो है जहाँ मैं फिनाले तक गया हूँ, रोडीज में सेकेंड आया मैं रनर अप। सो या आई थिंक दिस माइट बी माई लक्की चार्म, हू नोस, एंड इफ आई विन दिस नथिंग लाइक इट, विनिंग वन ऑफ द बेस्ट रियलिटी शोज इन इंडिया इज़ अ ह्यूज डील। मैं तो सुना हूँ कि कहीं ना कहीं नाम थोड़ा पिच हो रहा है, अगर होता है तो ग्रेट, देखते हैं क्या होगा, एंड अगर नहीं होता है तो काफ़ी सारे हैं रियलिटी शोज जो मैं करना चाहता हूँ। आई एम अ परफॉर्मर, यू गैस हैव ऑल सीन दैट, सो कतरों के खिलाड़ी समथिंग आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग, कि वहाँ की चैलेंजेस परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस बहुत ही अलग होते हैं, बहुत मुश्किल होते हैं, एंड आई फील लाइक आई एम रेडी फॉर, आई एम मेड फॉर दैट टाइप ऑफ सिनेरियो सिचुएशन, जहाँ मैं मेरा बेस्ट दे सकता हूँ और खुद को पुश कर सकता हूँ। दूसरा आता है डांस, तो झलक दिखला जाओ ऑब्वियसली, अगर ऑफर आता है तो ज़रूर मैं करूँगा। एंड when it comes to web series, movies, तो वो उसके लिए auditions कर रहा हूँ मैं, and it's going great for now. The journey has scaled a little bit from Spitzvilla. ऐसा नहीं है कि no, I wasn't doing it before this. इससे पहले भी मैं यही कर रहा था, modeling, acting कर रहा था, तो इसके बाद भी मैं वही करूँगा, modeling, acting, और अगर reality show मिल जाता है great, because coming from a background which is non-filmy, जहाँ कोई godfather नहीं है और we don't have our own production houses, थोड़ा मुश्किल हो जाता है नो मूवीज़ वेब सीरीज करना, लेकिन रियलिटी शोज गिव अस अ ग्रेट प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन शोकेस आवर स्किल्स एंड वी कैन शो पीपल हु वी आर, एंड इफ दे लाइक अस मे बी दे विल ऑफर अस अ रोल। हाँ, हाँ हाँ म्यूजिक वीडियोज़ में तो बहुत फील कर चुका हूँ ऑलरेडी कि या फिर इसकी छोटे भाई या फिर सहेली या फिर कजिन कर रहे म्यूजिक वीडियो इंस्टेड ऑफ मी एंड मिनट में, एंड दैट हैपेंस, इट्स नॉट ओनली नेपोटिज्म, जिसमें बहुत कुछ चीज़ें होती है, कास्टिंग काउच, देयर इज नेपोटिज्म, देयर इज सो मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग मनी, सो फेसिंग ऑल दैट, रीचिंग अ पॉइंट वेयर आई एम राइट नाउ, आई एम फीलिंग वेरी गुड, वेरी स्ट्रॉन्ग।